अस्सलामुअलैकुम, तो मेरा नाम मुसफ़िर है। तो शादाब खान की बात की जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने कहा कि हमारी विनिंग स्ट्रीक कल से स्टार्ट होगी। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं ऐसे फ्रेप है, कोई कह रहे हैं कुदरत का निज़ाम है, वो कह रहे हैं हम कल से इंशाल्लाह मैच चारों जीतेंगे और हम अपनी विनिंग मोमेंटम स्टार्ट करेंगे और हम सेमीफाइनल में पहुँचेंगे इंशाल्लाह। ये तो कॉन्फिडेंस दायक थे, यहाँ पर कुछ भी नहीं कह रहे, पिछली बार भी कहे शायद जीत जाए अफगानिस्तान से, पाँचों मैच जीते हम क्वालिफाई कर देंगे, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है दिल टूट जाता है। उम्मीद नहीं लगती अफगानिस्तान से, जो आ रहे हैं ना वो दुख दिया उसने, और अफगानिस्तान में से कभी नहीं हमारे थे, और इस तरह की परफॉर्मेंस, एक तो होता है ना हारना, एक होता है इबरतनाक शिकस्त, हमें इबरतनाक शिकस्त हुई थी। तो अब देखते हैं कल से जो मैच स्टार्ट हो रहा है उसकी। अब देखते हैं कल से मैच स्टार्ट है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है पाकिस्तान के मुकाबले में, तो पाकिस्तान के साउथ अफ्रीका को शिकस्त दे सकते हैं, यानी एक बहुत बड़ा, ये भी एक सरप्राइजिंग पॉइंट है। अब देखते हैं अगर पाकिस्तान पहले राउंड से बाहर हो जाता है, बहुत सारी चाहें जी शताब सोलह निशान है, नवाज, उसामा मीर को बड़ा लोग रेट कर रहे थे, उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी है, वसीम जूनियर, जमान खान की एंट्री हो सकती है, अबरार खान का नाम बड़ा अच्छा रहा, उनकी एंट्री हो सकती है, मामा लाख की एंट्री गायब हो जाएगी, फ़खर जमान आउट हो जाए, सैम अयूब ने अच्छी बात है, उन्होंने कायद अजम ट्रॉफी में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, अगर उनको चांस दिया जाता है तो। अब देखते हैं जो भी है, कल दारो मदारे, कल एक आखिरी चांस है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल जिस तरह की पाकिस्तान टीम की करंट परफॉर्मेंस है पाकिस्तान जीत सकेगी। अब देखते हैं वो उम्मीद जो कुछ भी परफॉर्मेंस देते हैं, अच्छी देते हैं बुरी।